मार्केट ओपन हो चुका है, गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अभी धीरे धीरे, बैंक निफ्टी अभी धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे चार्ट पर सिग्नल जनरेट होने के लिए। बाई साइड पर सिग्नल मिल रहा है, ट्रेड तभी लेंगे जब सिग्नल कैंडल की हाई को क्रॉस करेगा, तभी हम बाई साइड पर एंट्री करेंगे, उसके पहले नहीं। बाई साइड पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है एंड चार्ट पर अब रिवर्सल कैंडल बन रहा है। ये जो ब्लैक कलर की कैंडल है, ये रिवर्सल कैंडल है। रिवर्सल कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाएगा एंड रिवर्सल कैंडल की लो ब्रेक होने पर हमें अब सेल साइड पर एंट्री लेना है। तो प्रीवियस कैंडल की हाई पर स्टॉप लॉस को सेट करके यहां पर अभी हम सेल साइड पर एंट्री बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, टारगेट 1 आ चुका है, तो यहाँ पर हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेल करेंगे कॉस्ट प्राइस पर। अरे वाह, टारगेट 2 भी अचीव हो गया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और क्वांटिटी को टारगेट 2 पर प्रॉफिट बुक करेंगे। सुपर एल्गो इंडिकेटर का यही प्लस पॉइंट है कि देखो, पहले सबसे पहले हमें बाय सिग्नल मिला, मार्केट नहीं चला, थोड़ा सा ऊपर गया, प्रीवियस डे के हाई के आसपास गया, फिर वहां से रिजेक्शन ले लिया। अब ये रिजेक्शन लेने के बाद इंडिकेटर ने तुरंत क्या किया, वो पकड़ लिया कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, तो उसने क्या किया, तो इंडिकेटर ने रिवर्सल कैंडल प्लॉट किया, यानी अभी आप बाइंग साइड से क्विट करके सेलिंग साइड पर शिफ्ट कर जाओ। और जैसे ही हमने सेल किया, टारगेट 1 भी मिल चुका है, टारगेट 2 भी मिल चुका है, यानी जो लॉस हमें बाई साइड पर हुआ था वो अब रिकवर होके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम थोड़ा और पार्शियल प्रॉफिट बुक करके टारगेट 1 पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है टारगेट 1 के पास। तो जैसे ही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, हमें कंप्लीट एग्जिट करना पड़ेगा। देखिए, मार्केट कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, इसीलिए जो हमारा स्ट्रेटजी है, जैसे जैसे टारगेट्स अचीव होते जाएंगे, हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर एग्जिट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज रहता है, आपको नुकसान हो जाएगा ड्यू टू प्रीमियम डीके। जिनको रिस्क लेना है वो अभी भी मार्केट में रह सकता है, वो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को टारगेट 1 की जगह कॉस्ट प्राइस पर रख सकते हैं, कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता है और नीचे गिरता है तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट अगर आप एक नेकेड ऑप्शन बायर है, आई सजेस्ट यू शुड एग्जिट एट दिस लेवल। सो राइट फ्रेंड्स, आपने देख लिया है कि एक सिंपल इंडिकेटर को कैसे चलाना है। अगर आप इस लीडिंग इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।